कांग्रेस कर सकती है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम। 17 जनवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में हो सकता है फैसला। चार राज्यों की हार से सबक ले रही है कांग्रेस, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बन रही है रणनीति। कांग्रेस के अंदर लगातार उठ रही है मांग, राहुल गांधी को बनाया जाए पीएम पद का उम्मीदवार। पीएम पद के लिए हाल ही में नंदन नीलेकणी का उठा था नाम, कई और नाम पर हो सकती है चर्चा। पीएम उम्मीदवार के लिए एक नाम मीरा कुमार का भी, कांग्रेस ने मीरा कुमार को बनाया था लोकसभा अध्यक्ष। संभावितों में वित्त मंत्री पी चिदंबरम, रक्षा मंत्री ए के एंटनी और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के भी नाम। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी की प्रतिक्रिया, कहा पार्टी नेता चाहते हैं राहुल गांधी बने पीएम उम्मीदवार। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम उम्मीदवार के नाम पर साधी चुप्पी, कहा पार्टी तय करेगी नाम। पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी लगातार बोल रही है कांग्रेस पर हमला, नाम घोषित करने की दे रही है चुनौती। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ेगी कांग्रेस का साथ, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और डीएमके में नहीं होगा गठजोड़, डीएमके चीफ करुणानिधि ने चेन्नई में किया ऐलान। करुणानिधि ने कहा हम अकेले चुनाव लड़ने को तैयार, लेकिन हमें कांग्रेस का साथ मंजूर नहीं। करुणानिधि ने कहा हम उस पार्टी के साथ रिश्ता नहीं रख सकते जिसने हमें धोखा दिया और हमारी पार्टी को बदनाम किया। तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि ने कांग्रेस पर विश्वासघात का लगाया आरोप, कहा राजा और मेरी बेटी को जेल भेजा गया। करुणानिधि ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर की तारीफ, कहा आडवाणी उनसे काफी अलग। तेलंगाना बिल आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश, विधायकों ने किया जोरदार हंगामा। सीमांध्र के विधायकों ने फाड़ा तेलंगाना बिल, सदन के बाहर जलाई गई बिल की कॉपी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपना विचार रखने के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा को 23 जनवरी तक का दिया है समय। आज शाम 5 बजे दिल्ली में कैबिनेट की अहम बैठक, सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल को मंजूरी संभव। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब से कुछ देर में जेल से रिहा हो जाएंगे लालू यादव, चारा घोटाले में हुई है 5 साल की सजा। लोकपाल के लिए अन्ना को कल तक करना होगा इंतजार, शीशराम ओला को श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में कल पेश होगा लोकपाल, कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोकपाल बिल पास कराने की कह चुकी है बात। समाजवादी पार्टी करेगी लोकपाल का विरोध, रामगोपाल यादव ने कहा रोकने के लिए लगा देंगे पूरा जोर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का लोकपाल बिल को पूरा सपोर्ट, कहा बीएसपी नहीं करेगी विरोध। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने कहा हम लोकसभा में बिल का करेंगे समर्थन, बोले हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी भी करे समर्थन। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ को भरोसा, कल राज्यसभा में पास हो जाएगा लोकपाल बिल। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा जब अन्ना मान गए तो उन्हें भी मान जाना चाहिए। रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना के अनशन का 7वां दिन, अब तक 4 किलो 300 ग्राम वजन घटा चुके हैं अन्ना। अन्ना का ब्लड प्रेशर स्थिर, लेकिन अनशन ने अन्ना को कर दिया है कमजोर। अन्ना के समर्थन में रालेगढ़ पहुंचे मुंबई के डब्बा वाले, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को जारी रहेगा सहयोग। केजरीवाल पर अन्ना का पलटवार, बिना किसी का नाम लिए कहा जिन्हें लगता है ठीक नहीं लोकपाल वो कर सकते हैं आंदोलन। रालेगढ़ में बोले अन्ना मेरे आंदोलन से आए लोकपाल वो कमियों को दूर करने के लिए करे नया आंदोलन। अन्ना से सरकार ने की अपील, हंगामे के बावजूद इसी सत्र में पास करे बिल। लोकपाल के मौजूदा स्वरूप पर अन्ना ने जताई खुशी, कहा इससे होगा लोगों का भला। गुरु चेले के बीच बड़ी दूरियां, अन्ना बोले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं करना चाहता बात। लोकपाल पर जारी है सियासी किचकिच, केजरीवाल ने कहा सरकारी बिल से मंत्री तो छोड़िए चूहे को भी जेल में डालना मुश्किल।
लोकपाल बिल पर सरकारी कवायद को केजरीवाल ने राहुल को फायदा पहुंचाने की कोशिश बताया, कहा जारी रहेगा हमारा आंदोलन। लोकपाल बिल को अन्ना के समर्थन को केजरीवाल ने बताया अफसोसनाक, कहा बीजेपी और कांग्रेस ने अन्ना को बरगलाया। किरण बेदी पर केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा स्वायत्त सीबीआई की मांग करने वाली किरण बेदी अचानक सरकारी ड्राफ्ट पर कैसे राजी हो गई। अन्ना से मिलने रालेगढ़ से दी जाएंगे केजरीवाल, कहा वायरल से ठीक होते ही जाऊंगा रालेगढ़। चुरू विधानसभा सीट बीजेपी ने 24,000 वोटों से जीती, बीजेपी के राजेंद्र राठौर बने विधायक। बीएसपी उम्मीदवार के निधन से स्थगित हुआ था चुरू का चुनाव, 13 दिसंबर को वोटिंग के बाद आज भी काउंटिंग। राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे, बीजेपी के सीनियर नेताओं से करेंगे मुलाकात। गुजरात दंगों की जांच करने वाले अधिकारी के वेंकटेशन का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया, जनवरी में खत्म हो रहा था कार्यकाल। मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, महिला आरक्षण विधेयक के विरोध पर महिलाओं में गुस्सा। सोलह दिसंबर के अंग्रेव के साल भर बाद भी सुरक्षित नहीं है दिल्ली, दिल्ली पुलिस का कबूलनामा, दिल्ली की 1200 से ज्यादा जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। दक्षिण दिल्ली में 71 जगहों पर बलात्कार का खतरा बरकरार, अंधेरे में डूबा रहता है इलाका, कभी भी हो सकती है शर्मनाक वारदात। साउथ वेस्ट इलाके में 150 जगहों पर अंधेरा, साउथ ईस्ट में 125 जगह अंधेरे की वजह से खतरा। दिल्ली पुलिस ने अंधेरी जगहों पर उजाला करने के लिए दिल्ली सरकार को लिखी थी चिट्ठी, लेकिन लाइट का इंतजाम अभी तक नहीं। साल भर बीतने के बाद भी सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं सवाल, महिलाओं में सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस नहीं जगा सकी भरोसा। गृह मंत्री शिंदे ने कहा लोग हुए जागरूक, इसलिए अब दर्ज हो रहे हैं रेप के ज्यादा मामले। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा तमाम किए गए उपाय, लेकिन एक साल में नहीं आया बदलाव। निर्भया फंड को लेकर भी उठा सवाल, सरकार ने एक रुपया भी नहीं किया खर्च, पिछले बजट में वित्त मंत्री ने 1,000 करोड़ का बनाया था निर्भया फंड। निर्भया फंड के इस्तेमाल नहीं होने पर बोले गृह मंत्री शिंदे, कहा वित्त मंत्रालय से अभी क्लियरेंस मिली, अब जल्द अलॉट हो जाएगा फंड। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा साल भर बाद भी लागू नहीं हुआ एक भी ऐलान, लागू नहीं हुआ सरकार से उठा जनता का विश्वास। एक साल बाद भी बहादुर लड़की के माता पिता के नहीं सूखे आंसू, पिता ने कहा हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता। बहादुर लड़की के पिता ने कहा कानून में कई सारे बदलाव हुए, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। पिता ने कहा नाबालिग को दी गई मामूली सजा, बोले कानून में बदलाव करना चाहिए बदलाव। नाबालिग को कड़ी सजा नहीं मिलने से बहादुर लड़की की मां भी दुखी, जुवेनाइल के लिए अलग से कानून बनाने की अपील। अपनी लाडली बेटी को खो चुकी मां ने कहा कम से कम अब पुरुषों की सोच में थोड़ा बदलाव आया है, उन्हें लगता है कि अब सजा हो सकती है। दिल्ली बीजेपी विधायक दल के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र से मांग, 16 दिसंबर को निर्भया दिवस घोषित करे सरकार। हर्षवर्धन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया इस दिन पूरा संदेश महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प लेगा। हर्षवर्धन ने कहा शीला अपने 15 साल के शासनकाल में महिलाओं को सुरक्षा देने में रही थी नाकाम, दिल्ली में रोज रेप और छेड़खानी के मामले। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी का कांग्रेस पर वार, कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना निर्भया फंड को लेकर सरकार गंभीर नहीं। निर्भया फंड के लिए बजट में अलग से किया गया था 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, मीनाक्षी लेखी का आरोप अब तक नहीं खर्च हुआ पैसा। दरिंदगी की शिकार हुई दिल्ली की बहादुर लड़की को आज दिल्ली समेत कई शहरों में दी जा रही श्रद्धांजलि, मुनिरका बस स्टैंड पर प्रार्थना सभा। मुनिरका स्टैंड पर ही दोस्त के साथ बस में सवार हुई थी लड़की, हवन कर पीड़िता की आत्मा की शांति की मांगी गई दुआ। दिल्ली के संविधान क्लब में शाम 4 बजे महिलाओं के सम्मान विषय पर सेमिनार, केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और बीजेपी नेता अरुण जेटली भी होंगे शामिल। गैंगरेप की घटना के एक साल पूरे होने पर मुरादाबाद में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, दिल्ली की बहादुर लड़की को दी श्रद्धांजलि।
लोगों ने कहा कड़ा कानून आने के बाद किसी और निर्भया के साथ नहीं होगी ऐसी दरिंदगी। गैंगरेप की वारदात के एक साल पूरे होने पर छावनी में तब्दील हुई दिल्ली, पूरी रात चप्पे चप्पे पर पुलिस की थी तैनाती। दिल्ली के हर जगह थी बैरिकेडिंग, कदम कदम पर ली जा रही थी तलाशी। हर आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही थी तलाशी, जांच पड़ताल के बाद ही लोगों को जाने की इजाजत। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने भी रात में सुरक्षा का लिया जायजा, जगह जगह जाकर पुलिस की मुस्तैदी की जांच। कई जगहों पर बस स्टैंड के पास भी दिखी दिल्ली पुलिस, हर आने जाने वालों पर थी नजर। दिल्ली की रहने वाली छात्रा से बुलंदशहर में रेप का सनसनीखेज मामला, थाने में शिकायत दर्ज लेकिन दरिंदा अब तक फरार। 12वीं में पढ़ने वाली 16 साल की लड़की को काम दिलाने के बहाने एक ठेकेदार अपने साथ ले गया था बुलंदशहर, रास्ते में बनाया हवस का शिकार। पीड़ित की मां ठेकेदार के यहां शादी ब्याह में खाना बनाने का करती थी काम, पीड़ित लड़की दिल्ली के सीमापुरी की रहने वाली। दिल्ली के नेपसराय में घर में घुसकर महिला से छेड़खानी, आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आरोपी शख्स पेशे से वकील, पीड़ित के मुताबिक पति से मिलने के बहाने आया था घर, बाद में घर में घुसकर की छेड़खानी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली समेत देश के कई शहरों में समलैंगिकों का प्रदर्शन, मुंबई में कई फिल्मी सितारे भी विरोध में उतरे। प्रदर्शन में शामिल अभिनेता प्रतीक बब्बर ने कहा समलैंगिकों को भी हमारी तरह जीने का अधिकार, नंदिता दास ने कहा हर शख्स को अपनी पसंद चुनने का अधिकार। बैंगलोर में भी समलैंगिकों का प्रदर्शन, धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। कोलकाता में भी सड़कों पर उतरे समलैंगिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। समलैंगिकता को लेकर दिग्विजय सिंह का संघ पर निशाना, ट्विटर पर लिखा धारा 377 पर रुख साफ करे आरएसएस। इंडियन आइडल 2 के विजेता संदीप आचार्य का निधन, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। हेपेटाइटिस बी की बीमारी से जूझ रहे थे संदीप आचार्य, मौत की खबर से संदीप के शहर बीकानेर में शोक की लहर। पहले बीकानेर में ही चल रहा था संदीप आचार्य का इलाज, तबीयत बिगड़ने पर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में रेफर किया गया था। रांची में पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में बड़ा हादसा, तालाब में नाव पलटने से 4 की मौत, राज्य के पर्यटन सचिव ने तैर कर बचाई जान। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था नौका विहार, अधिकारियों के चढ़ते ही नदी में पलटी नाव। दिल्ली एनसीआर में सीजन का पहला घना कोहरा, कोहरे ने रोकी राजधानी की रफ्तार। कोहरे की वजह से सुबह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से नहीं उड़ सका कोई विमान, 10 बजे तक रद्द की गई थी सारी उड़ानें। हवाई पट्टी पर 50 मीटर के दायरे में नहीं दिखाई दे रहा था कुछ भी, एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों के रुकने की सुविधाएं बढ़ाई गई। कोहरे ने कुंद की भारतीय रेल की रफ्तार, देरी से दिल्ली पहुंच गई ट्रेनें। आज 1971 के पाकिस्तान विजय की 41वीं सालगिरह, अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े नायक नेल्सन मंडेला का उनके पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार, घर के करीबी लोग मौजूद। अर्जेंटीना के एक कैथोलिक चर्च के पादरी पर 4 बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप, चर्चा ने पादरी की तरफ से माफी मांगी। बांग्लादेश में अब्दुल कादर मुल्ला की फांसी पर जमात इस्लामी का उग्र प्रदर्शन, हिंसक झड़प में 4 की मौत। चीन के गोइजू प्रांत में भारी बर्फबारी, हाईवे बंद, कामकाज पर बुरा असर। जॉर्डन में भारी बर्फबारी से कई इलाकों में बिगड़े हालात, कई जगहों पर बिजली पानी सप्लाई बंद, यातायात पर भी बुरा असर।